नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब हम फोर की बात करते हैं तो वो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, मनी की। चार को ऐसा समझिए कि चार पांव, इट्स अ स्क्वायर, एंड व्हेनेवर देयर इज अ स्क्वायर इट शोज देयर इज अ स्टेबिलिटी, दैट थिंग्स आर नॉट रियली मूविंग, दे आर काइंड ऑफ रिलैक्स्ड, दे आर देयर। इसलिए अगर आप फोर के कार्ड्स देखेंगे, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ कप्स, ये चारों थमे हुए कार्ड हैं। एक तरह की जो है इसमें रिलैक्सेशन है, एक तरह की इसमें जो है नॉन मूवमेंट है। तो फोर सिग्निफाई करता है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इन अ वे अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ। तो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्ड एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो फोर ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात करने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स के कीवर्ड्स होंगे विड्रॉल, हीलिंग, गोइंग इनवर्ड्स, स्ट्रेंथ, मेडिटेशन, प्रेयर, कंटेम्पलेशन, रिलैक्सेशन एंड समाधि। सो द फोर ऑफ सॉर्ड शोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। बेसिकली इसमें हम क्या देखते हैं कि एक आदमी जो है उसको रेस्ट करते हुए हम दिखाया गया है। उसके अंदर तीन सॉर्ड्स जो हैं उसके सर के ऊपर हैं और एक सॉर्ड जो है नीचे है। और अगर आप रूम की सेटिंग देखेंगे तो इट विल लुक लाइक यू नो ही इज़ सिटिंग इनसाइड द चर्च, लाइक ही इज़ लाइंग इनसाइड द चर्च। सो इट्स अ कार्ड ऑफ विड्रॉल एंड रेस्ट। क्यों ऐसी स्थिति बनी, क्यों जो है एक विड्रॉल की स्टेट आई, क्यों एक रेस्ट की स्टेट आई, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक कार्ड पीछे जाएंगे जो कि है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल कार्ड क्योंकि उसके अंदर जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस सब खत्म हो जाती हैं। यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, यू आर लेटिंग द सॉर्ड इनसाइड योर हार्ट एंड यू आर बीइंग क्रश्ड, यू आर जस्ट फिनिशिंग योर सेल्फ। तो वो एक ऐसा कार्ड है कि वेयर यू हैव टच द बॉटम और उसके बाद फिर ऊपर ही जाया जा सकता था। जो फोर ऑफ सॉर्ड्स है वो एक रिन्यूअल का कार्ड है, वो एक कार्ड है हीलिंग का, ये कार्ड है मेडिटेशन और प्रेयर का। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टाइम वेयर यू कैन एक्चुअली जस्ट गो डीप इनटू योरसेल्फ एंड टोटली रिलैक्स। सो इट इज़ अ कार्ड ऑफ रिमूविंग आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड गेटिंग इनटू अ हीलिंग मोड and recovering ourselves so that we can deal with the pain. That is what is shown in the four of swords. जो general इस card का meaning है वो बहुत simple है, वो simply एक ही बात बोलते हैं कि it's a time for rest, like take some time out and go into rest. But बहुत ही एक superficial meaning हो जाएगा, बहुत ही एक meaning हो जाएगा जो सिर्फ periphery की बात कर रहा है, जो कि deep नहीं जा रहा है। Rest तो लेने की बात करी जा रही है लेकिन where it is actually coming from, you also have to see that. So, अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो you will really understand what this card is all about. So, मेरी नज़र में this is a card of yoga, meditation and samadhi. इसको भी मैं explain करूँगा किस तरह से, क्योंकि अक्सर हम जो है सिर्फ card के ऊपर ऊपर meanings पकड़ते हैं लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो उसमें स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है। इस कार्ड में भी गहरी स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है, इनफैक्ट इट इज़ टॉकिंग अबाउट समाधि। ऊपर की थ्री सॉर्ड्स अगर हम देखें तो वो थ्री सॉर्ड्स जो हैं, एक सॉर्ड जो है उसके हार्ट चक्रा पे पॉइंट कर रहा है, एक उसके थ्रोट चक्रा पे और तीसरा जो है उसके थर्ड आई पे। जो फोर्थ सॉर्ड है वो इट्स अ लाइंग डाउन। व्हाट डज इट मीन? It basically means, you know, like your energy is moving from the heart chakra towards your upper chakras, going through the Vishuddhi, then entering into the third eye, then going through the Sahasrara. Or, वो जो एक sword जो एक एक नीचे लेटी हुई दिखाई गई है, that stands for Shavasana, where your spine needs to be straight. In a way, it is actually talking about a kind of a spiritual process. A spiritual process in which your energy is supposed to go upward from
our heart chakra towards the sahasrara. We are divided into 7 chakras. जो हार्ट से नीचे के जो चक्रास हैं वो आपको संसार में लेके जाते हैं, और जो हार्ट से ऊपर के जो चक्रास हैं वो आपको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, वो आपको गॉड के साथ जोड़ते हैं. सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुली सिग्निफाइड हियर कि ऊपर जाने के लिए, गॉड के टच में आने के लिए, यू विल नीड दी चक्रास विच आर अबव योर हार्ट. सो वंस यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ योगा, इट लीड्स यू इनटू मेडिटेशन एंड अल्टीमेटली इट लीड्स यू इनटू समाधि. दैट इज व्हाट इट डिपिक्टेड इन दिस कार्ड ऑल्सो. सो वॉट रियली हैपन्स इन समाधि, समाधि इज अ ब्लिसफुल स्टेट इन विच योर बॉडी गोज इन टू स्लीप बट यू आर टोटली अवेयर एंड कॉन्शियस. देर इज़ वन वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द स्लीप एंड द समाधि. इन स्लीप वी आर अनकॉन्शियस, वी आर नॉट अवेयर, एंड इन समाधि द बॉडी इज टोटली इन रेस्ट, एंड दैट इज़ अ स्टेट ऑफ ब्लेसिंग. एंड दैट इज़ वाई अगर आप इस विंडो को देखेंगे तो उसमें जीसस क्राइस्ट जो है, ही इज़ ब्लेसिंग, ही इज़ गिविंग द गिफ्ट ऑफ हीलिंग. वॉट हैपन्स इन समाधि, अ डीप हीलिंग हैपन्स इन साइड योर सिस्टम. इट्स अ काइंड ऑफ अ डेथ, इट्स अ काइंड ऑफ अ डेथ विच यू गो थ्रू, विच गिव्स यू अ न्यू लाइफ, विच गिव्स यू अ न्यू बिगिनिंग. और जिसकी गहरी नींद नहीं हो रही है, या फिर जिसको समाधि में जो नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू रियली बिगिन हिज डे. वो कहीं ना कहीं उसने जो है अपने ऊपर से उसने धूल नहीं झाड़ी है, वो धूल उसके ऊपर अभी भी लगी हुई है. सो वॉट डज योगा एंड मेडिटेशन डज फॉर यू, इट क्लीन्स यू. एंड वॉट डज समाधि डज फॉर यू, इट जस्ट गिव्स यू अ न्यू बर्थ. दैट इज वॉट द पावर ऑफ फोर ऑफ सॉर्ड इज. सो जब हम फोर ऑफ सॉर्ड की बात कर रहे हैं तो ये हम बात कर रहे हैं, इट्स टू क्वाइट द माइंड एंड एक्सेस द इनर लाइफ बाय क्लोजिंग आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को टोटली बंद करना और अपने भीतर की दुनिया को देखना. दैट इज़ वॉट इज सिग्निफाइंग हेयर इन दिस कार्ड. और अक्सर जो है, अगर हम योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, या फिर समाधि की बात करें, वो हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि इट्स अ स्टेट वेयर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एक्शन, एंड दिस इज वन ट्रू एक्शन. ये ऐसा एक्शन है जो आपकी लाइफ चेंज करता है, एंड दिस इज द ट्रू एक्शन. इससे आपकी लाइफ वो ही नहीं रह जाएगी जो पहले थी. अगर हम करियर की बात करें इस कार्ड को लेके, तो इट बेसिकली सेज इट्स अ टाइम टू लेट गो ऑफ द आउटर वर्ल्ड. समझ लीजिए कोरोना आ गया, एंड इट इज़ टेलिंग यू नॉट टू गो आउट इन द वर्ल्ड, टू गो इनसाइड. घर पे रहिए, सेफ रहिए, दिस इज़ वॉट ऑल्सो द मैसेज विच इज सेइंग. अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, दिस इज़ द टाइम टू टेक अ ब्रेक. अगर हम इसको जोड़ेंगे थ्री ऑफ सॉर्ड से, सो समवन हैज़ गॉन थ्रू अ हार्ट ब्रेक, समवन हैज़ गॉन थ्रू अ पेनफुल एक्सपीरियंस, एंड वन जस्ट नीड्स टू रिलैक्स एंड गो इन टू अ पीसफुल स्टेट. इस माइंड को समझने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है बुद्ध की. बुद्ध जो है आनंद के साथ यात्रा करते थे, और यात्रा करते करते उन्होंने आनंद को कहा कि आनंद मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ. तो आनंद जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता. तो पास ही एक झरना था जहाँ पे जो है वो गया पानी लेने के लिए, लेकिन उसने देखा वहाँ पे पानी बहुत गंदा हो रखा है. तो वो वापस लौट आया और उसने बुद्ध को कहा कि जो पानी जो था मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि वो मिट्टी से भरा हुआ है. तो बुद्ध ने कहा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट ब्रिंग मी द वाटर. आनंद ने बुद्ध को कन्विंस करने की कोशिश करी कि पानी गंदा है और गांव ज़्यादा दूर नहीं है, जैसी गांव आ जाएगा आपको शुद्ध पानी जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा. तो लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, मुझे वो ही पानी पीना है. खैर, बुद्ध नहीं माने तो आनंद गए. आनंद ने वो जो है झरने से पानी भरा, मिट्टी वाला पानी. और जब तक वो बुद्ध के पास लेकर आए, तो जो मिट्टी जो थी उस पानी की, वो नीचे बैठ चुकी थी. और उन्होंने आनंद को समझाया कि देखो आनंद, मेरा पर्पस यही था तुम्हें समझाने का कि मन इस पानी के लोटे की तरह है,
कि अगर इसको हिलाते रहो तो मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, ये सब जगह फैल जाएगा, लेकिन उसको तुम रख दो एक जगह पे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। दैट इज़ वॉट इज शोन हेयर, कि आपका मन भी ऐसा ही है कि आपको इसको जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जितना इसको आप जो है हिलाएंगे, उतना जो है ये मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। लेकिन इसको आप खाली छोड़ दीजिए, हल्का छोड़ दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए, जो मिट्टी है, जो मन है, वो बैठ जाएगा और पानी जो है शुद्ध हो जाएगा। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल कार्ड। इट बेसिकली इंस्पायर्स यू टू गो इन टू योगा, मेडिटेशन एंड फॉलो द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो दिस इज़ वन वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड, द फोर ऑफ सॉर्ट। जाते जाते एक कोट जो कि इसके लिए जो है मैंने खोजा है, और ये कोट है भगवान श्री रजनीश का। वो कहते हैं, बिगिन विद ध्याना विद मेडिटेशन एंड एंड इन समाधि इन एक्सटेसी एंड यू विल नो व्हाट गॉड इज। इट इज़ नॉट अ हाइपोथेसिस, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, यू हैव टू लिव इट, दैट इज़ द ओनली वे टू नो इट। सो भगवान श्री रजनीश कहते हैं कि ध्यान का, समाधि का एक्सपीरियंस कीजिए, एंड वंस यू लिव इट यू विल नो दैट एक्चुअली इट एग्जिस्ट, इट इज़ रियल। क्योंकि बहुत लोगों के लिए जो ध्यान और समाधि है, इट इज़ जस्ट अ मिथ। जो आदमी अपने भीतर नहीं गया उसके लिए जो है ये मिथ ही है। सो अनलेस अनटिल यू हैव नॉट बिगन योर जर्नी, ऑल दीज आर जस्ट वर्ड्स। दिस स्टार्ट्स बिकमिंग अ रियलिटी व्हेन यू स्टार्ट योर इनर जर्नी। सो आई विश द सेम फॉर यू, दैट योर जर्नी ऑल्सो स्टार्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते।